नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को शिवपुरी पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस बार पिछली बार जैसा प्रचंड बहुमत मिलेगा क्या, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मैं इस बार अपनी तबीयत खराब होने के कारण घूम नहीं पाई, इसीलिए इस पर मैं कैसे टिप्पणी करूं। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी मैं शिवराज सिंह चौहान से बहुत उम्मीद करती हूं और उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं आशा करती हूं, कामना करती हूं कि उनकी मेहनत रंग लाए। गौरतलब है कि इस बार शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रही है। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इस कारण बीजेपी ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र जैन को टिकट दिया है। देवेंद्र जैन के खिलाफ कांग्रेस की केपी सिंह को मैदान में उतारा है। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जीत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी और बाकी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की है, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले मेरी यही कामना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता का काम करती है और सरकार वापस आए। उन्होंने आगे कहा कि मैं हर बार मतदान कर अपनी भागीदारी लोकतंत्र में निभाती हूँ, ऐसे क्रम में मतदान करने के लिए आई हूं। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन सहित कई पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया को एमपी की राजनीति में बड़ी राजनेता माना जाता है और वे यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ भी लगती है, लेकिन शिवपुरी विधानसभा सीट जो उनकी पैतृक सीट और गढ़ माना जाता है उससे इस दफा उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं इस दफा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, जिसके बाद बीजेपी ने यहां पर सत्येंद्र जैन को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बीच शिवपुरी विधानसभा सीट पर ही असमंजस का दौर भी काफी रहा। बड़ी यहां पर उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अगर यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने के इनकार करती है तो यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।